हेलो ऑल, हाय, वेलकम बैक. दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने कहा था कि जो वीडियो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा. तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने जो डिस्कस किया है पपीज़ के लिए, डॉग्स के लिए क्या कौन सा क्या क्या खाना अच्छा है, कौन से चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं कौन सी नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की हैं. आप देखिए, उसमें कुछ भी कंसर्न्स, आपके डाउट हैं, कुछ भी क्वेरी है, जो भी है आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं. ये जो सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट में मैंने जो चैलेंजेस की बारे में जो मैंने बात की थी कि जब हम डे वन पे जब हम पपी को घर लेके आते हैं उसके बाद क्या क्या डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस होती हैं, कैसे हम उनको स्मूथली हैंडल करें, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आपसे सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूँगी. सो दैट जो भी आप में से जो भी प्लान कर रहे हैं बेबी को घर में लेके आने के लिए, एंड सो दैट यू नो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आराम से सब स्मूथली विदाउट एनी इशू, यू नो आप हर चीज़ को आराम से आप हैंडल कर सकें. सो विल बी डिस्कसिंग दैट नाउ. ओके, सो देखिए, शुरू यहाँ से करेंगे कि जब हम बेबी को हम जब हम बेबी लाने के बारे में जब हम सोचते हैं, जब हम प्लान करते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, यू नो कि कौन सा ब्रीड लेना है और कहाँ से लेना है, नाम क्या होगा, पपी कौन सा लेना है, ही लेना है, शी लेना है, यू नो, तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं. बट हम ये सारी चीज़ें उसके लेके आने के बाद वाली प्लानिंग हम एडवांस में नहीं करते हैं, और प्रॉब्लम वही होता है कि हम उनके आने के बाद फिर जब वो इश्यूज़ या इश्यूज़ नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली, बट वो इश्यूज़ जैसे जो है वो बहुत बार ऐसे वो फील आता है, इनिशियली एक फील होता है, तो उसके लिए हम फिर जो है वो थोड़ा वो ये हो जाते हैं कि अब कैसे करें क्या करें, क्योंकि बहुत सारे जो है वो वर्क फ्रॉम अभी होम अगर जो हैं या जो घर में जो लेडी क्वींस जो हैं होम मेकर, एक एज ए कंपेनियन, एज ए फ्रेंड, अगर कोई घर में बच्चा कोई लेके आते हैं, बट स्टिल यू नो दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं, घर के होते हैं, वर्क रिलेटेड होता है, ऑफिस का काम होता है, वर्क फ्रॉम होम हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें होती हैं. तो साथ में स्मूथली ये सारी चीज़ें संभालनी है. क्यों? क्योंकि जैसे हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स हमारा जो घर है, घर का जो काम है, हमारा खुद का खाना है, खुद का टेक केयर करना है, हमारा ऑफिस का काम है, हमारा वर्क जो भी काम है, सेम उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम बच्चों को संभालना है, कोई भी डॉग को संभालना है, चाहे वो बेबी हो, बड़े हो, कितने भी साल हमारे साथ रहें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बनी रहती है और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हमें वो करना होता है और करना ही चाहिए. देर इज़ नो सेकेंड, यू नो कोई उसका एक अल्टरनेटिव नहीं है. तो शुरू करते हैं कि फर्स्ट जो चैलेंज जो होता है वो होता है उनके सुसु और पोटी का. सुसु पोटी वो इतने छोटे होते हैं, वो दिन में से जितनी बार वो खाना खाएंगे उतनी बार वो पोटी करेंगे. सुसु देर इज़ नो फिक्स टाइम या देर इज़ नो फिक्स स्पॉट या देर इज़ नो फिक्स नंबर्स कि इतनी ही बार करेंगे, इसी जगह पे करेंगे, यू नो तो उन यही टाइम पे करेंगे. नो, देर इज़ नो फिक्स टाइम. वो कितनी भी बार कर सकते हैं सुसु, वो कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी कोने में घर में कहीं पे भी कर सकते हैं, यू नो. तो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, तो अब सारा दिन पोचा हाथ में लेके नहीं चल सकते हैं, कोई भी नहीं, और चलना भी नहीं चाहिए. हर चीज़ को एक हैंडल करने का, मैनेज करने का जो है एक वो हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, यू नो, जो इजीली सब कुछ मैनेज हो जाए, हमें भी परेशानी हो, उस बच्चे को भी परेशानी ना हो, किसी को भी परेशानी नहीं हो, सब आराम से सब कुछ हो जाए. तो उसके लिए सबसे एक बेस्ट तरीका है
कि तो एक वो मॉप लेके आए, मॉप कौन सा, वो जो जो बकेट वाला जो एक मॉप आता है वो, जिसके साथ वो स्प्रिंकलर वाला जो एक होता है, तो वो बहुत इजीली उससे सब कुछ जो है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। बाकी देखिए, पॉटी के लिए आप इनिशियली वो इतने छोटे रहते हैं, आप उनको कितना भी बोलो, आप कितना भी उनको सिखाओ, कितना भी ट्रेन करो, वो इतना इजी नहीं है इनिशियली, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता है कि यू नो क्या करना है, ये क्या बोल रहे हैं। अगर हम उनको डांटेंगे भी, मानना नहीं है बच्चों को, हम उनको डांटेंगे भी उनको नहीं समझ में आएगा, प्यार से भी बोलेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, वो हमारी तरफ इसे देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं हमें और क्या करना क्या है हमें, यू नो, तो ये ऐसे इनोसेंटली हमें देखते हैं। तो वो ट्रेनिंग में टाइम लगता है, वो स्लोली स्लोली हम सब करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वो आगे भी करेंगे, पर इनिशियली कुछ महीने बहुत ज़्यादा पेशेंटली जो है इस चीज़ को मैनेज करना होता है। तो जैसे मैंने कहा, कोई फिक्स स्पॉट नहीं है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे वो मैट मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे वो स्प्रेज मिलते हैं, यू नो, कि स्प्रे करो उसमें वो उनके उसके वो स्मेल से या वॉट एवर उससे वो उनको वहीं पे वो करेंगे। डजन वर्क लाइक दैट, यू नो, इट डजन वर्क। सोल्यूशन कैसे निकाला है, क्या किया है, वो इजीली आपको मैं बताऊं और आप कर सको विदाउट एनी अननेसेसरी कॉस्ट। मॉप एक बकेट इस ज़रूरी है, क्योंकि आप मैट भी लेंगे, जो भी है कुछ भी करेंगे, आपको क्लीन तो वैसे ही करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी मैट लेके उस पर एक्स्ट्रा आप पैसे नहीं डालें, स्प्रे लेके अननेसेसरी पैसे आप नहीं डालें। आपको जो जिस एरिया में आपको, जिस स्पॉट में या जिस एरिया में आपको करना है, वहाँ पे आप उनको धीरे धीरे आदत डालें। मैंने उसको कॉफ़ी को बालकनी में आदत डाली हुई है, मेरे घर में दो बालकनी हैं, तो दोनों में से जो भी बालकनी शी यूज़ रात में रूम में, रूम की जो बालकनी रहती है वो यूज़ करती है, दिन भर जो हमारे जो लिविंग में जो एरिया में जो बालकनी है शी यूज़ दैट। बट टाइम लगता है इनिशियल, जो जिस दिन फर्स्ट डे हम लेके आते हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, हम सारी चीज़ें खुशी खुशी सब कुछ करते हैं, फोर्थ डे से ऐसे थोड़ा वो एक वो लगता है कि यार कितनी बार करें और कितनी बार करना पड़ेगा, हम फिर वो अननेसेसरी, हम अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेशन हम बहुत बार जो है वो बहुत, मैंने अपने फ्रेंड्स में देखा है कि फ्रस्ट्रेशन वो बेचारे पपी पे निकालते, जबकि उनको समझ में भी नहीं आता है कि यार ये क्यों डांट रहे हैं, क्या करना है हमें और हमने क्या किया, ऐसे उनको नहीं समझ में आती ये चीज़ें। चाहे कोई भी अच्छा से अच्छा एक वो डॉबरमैन हो या वैसे उस लेवल के अगर कोई अगर है, जो फुल ट्रेनिंग वाले जो डॉग होते हैं जिनको अच्छे से ट्रेन करके, बट उनको ट्रेन करने उनको भी बहुत टाइम लग जाता है। इट्स नॉट कि ओवरनाइट, मतलब बस कि रात में आप उनको सिखा दो, नेक्स्ट डे से मॉर्निंग से करेंगे, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मैनी डेज, मैनी मंथ्स टू ट्रेन देम। उनको बहुत पेशेंटली, हमें पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंटली उनको सिखाना पड़ता है, यू नो, बहुत इट टेक्स टाइम। तो आप वैसे करें, आप जिस स्पॉट में आप उनको करवाना चाहते हैं, क्योंकि बालकनी में मैंने आदत डाला हुआ है, क्योंकि बालकनी बस बकेट पानी डाल दो, जब भी धोना है जो पॉटी किया है उसको सिर्फ उठा लो और पानी डाल दो, तो बार बार वो मॉप से भी पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डजेंट मीन कि अगर हम उनको बालकनी में आदत डाल रहे हैं, आप उनको कोई भी जगह पे से अगर आदत डालो, तो वो अगर दिन में से सूसू तो मान लो कि वो 15 बार तो करेंगे ही करेंगे मिनिमम, तो डजेंट मीन कि वो 15 बार अगर वो आप अगर वो उनको वो करते हैं तो बालकनी में अगर आप उनको आदत डालो या कहीं ऐसी जगह पे आदत डालो तो वहीं पे जाके करेंगे, नो, 15 बार में से हो सकता है कि वो 12-13 बार वहाँ पे करें, बाकी का टाइम कहीं पे भी करें, और ऐसे भी हो सकता है कि वो 12-15 टाइम में से सिर्फ 2 बार उधर करें, बाकी का सारा टाइम घर पे कहीं पे करें, क्योंकि उनको टाइम लगेगा उस चीज़ को वो समझने में, उनको थोड़ा थोड़ा डांटना पड़ता है, डांटना उनको बताना पड़ता है, वहाँ पे लेके जाके उनको दिखाना पड़ता है कि ये गंदी बात है, यहाँ ये नहीं करना है, व्हाई डिड यू डू दिस हियर, यू हैव टू, यू नो, यू हैव टू गो टू व्हाटएवर प्लेस आपने जहाँ पे
वहाँ पे आपको करना है। तो जब वो थोड़ा आपके तरफ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप उनको अगर वहाँ पे अगर उन्होंने जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे अगर उन्होंने कर दिया, गिव देम अ स्मॉल ट्रीट, उनको गुड बॉय गुड गर्ल आप उनको टैप करो, थोड़ा प्यार करो। सो दिस इज़ हाउ जो है वो समझेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ तो किया है और यहाँ पे आके मैंने किया, इसके लिए शायद मुझे प्यार और मुझे ये इतना सब कुछ मुझे मिला है करके। तो स्लोली स्लोली उनका वो हैबिट बनता है। तो अभी कॉफ़ी का भी काफ़ी बार मोस्टली 80% वो बैल्कनी में होता है, 20% कभी कभी 30% जो है उसका वो यहाँ पे होता है घर में कहीं पे भी, बट यू कांट हेल्प इट, यू नो यू हैव टू बी पेशेंट। तो ये आप चीज़ करें। हाँ, जैसे मैंने वो मॉप की जैसे मैंने बात की थी, दूसरी चीज़ आपको लेनी है जो स्कूपर एक आता है, स्कूपर भी एक्चुअली लेने की ज़रूरत नहीं है। एक वो जो हम एक वो जो जब हम झाड़ू मारते हैं जिसमें हम कचरा उठाते हैं ना, वो एक आप के पास है या अगर है तो आप एक एक्स्ट्रा भी अगर आप ले सकते हैं तो आप लीजिए, वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, 20-30-25 रुपये का, 50 रुपये का आता है, वो एक ले लें। और एक गार्बेज बैग का पैकेट्स हमेशा घर में रखें, बेबी को लाने से पहले ये सारी चीज़ें आप लेके रखें, तो जब भी उसने पॉटी कहीं पे भी किया तो गार्बेज बैग को वो सिर्फ जो कचरा उठाने डस्ट उठाने का जो वो है उस पे आप थोड़ा सा रैप कर लो उस गार्बेज बैग को और उसमें उठा लो, उसको उल्टा फोल्ड करके उसमें गांठ मार के रख लो। सो आप टच करने का भी ज़रूरत नहीं है, झाड़ू एक हाथ में, वो दूसरा एक वो प्लास्टिक का एक झाड़ू जो आता है, प्लास्टिक का जो एक धोने वाला झाड़ू प्लास्टिक में आता है वो ले लो, उससे वो ले लो, उसमें उठा के आप थैली में डाल के आप बांध के कचरे वाला जो जब आते हैं मॉर्निंग में आप रख दो तो वो लेके चले जाएंगे। सुसु करते हैं वो बकेट और मॉप है तो उसे आप उसे पोछ लो, सो सब इजीली हो जाता है चकाचक। ओके, दूसरी चीज़ जो दूसरी जो दूसरा जो चैलेंज है वो है इनके नींद का। जब ज़्यादा दिन नहीं होता है ये प्रॉब्लम, इनिशियली 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन प्रॉब्लम होता है कि जब बच्चे को हम लेके आते हैं, जब आप अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, एक छोटा सा बल्ब लगाएं कि एकदम अंधेरा नहीं हो, छोटा सा वो डिम या एक वो ज़ीरो बल्ब या छोटा एक जो लाइट होता है वो लगा लें, बट स्टिल वो आवाज़ करते हैं, वो थोड़ा चिल्लाते हैं रात में, वो इनिशियल दो तीन दिन आपको नींद नहीं आपकी नींद नहीं होगी ये पक्की बात है, बट डोंट वरी, ये सिर्फ 2 या 3 दिन का ही प्रॉब्लम होता है, उसके बाद वो यूज टू हो जाते हैं और वो आराम से फिर रात में वो जो है वो सो जाते हैं। तीसरी जो 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 प्रॉब्लम होती है वो होती है इनके कोई भी चीज़ उठा के खाने की, चप्पल जूते जगह पे, मेरी चप्पलें जो मैं घर पे पहनती हूँ वो तो मुझे आज तक घर पे नहीं मिलती हैं, कहीं एक कहीं पड़ी रहती कोने में, दूसरे कोने में पड़ी रहती, वो तो मुझे आज तक नहीं मिलती है। तो मैंने हार मान के उस चीज़ से मैंने आज स्टार्टेड वेयरिंग सॉक्स नाउ, तो मैंने छोड़ ही दिया उस चीज़ को। तो जूते चप्पल जगह पे रखें, सामने नहीं हो, और शू रैक में रख दीजिए पॉसिबल है। खाना अच्छी भी बात नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें काफ़ी डस्ट और गंदगी रहती है, चाहे भले हम घर में पहने कुछ भी करें बट गंदगी तो लगती है, तो वो नहीं खाएं, उनके पेट में कुछ पार्टिकल्स हैं ऐसे कुछ गए तो इट्स नॉट गुड एक्चुअली फॉर देयर हेल्थ। तो ये चीज़ है। और हे बाय द वे आज इसे हुए हैं कुछ मेरे ख्याल से एक 63-65 days इसके हुए हैं, तो मैंने से ऊपर है आज फर्स्ट टाइम ये सोफ़ा पे खुद चढ़ गई है, तो आई थोड़ा जस्ट शेयर विथ यू, सो आई वाज सो हैप्पी। अब तक तो छोटी सी थी, उसकी सिर्फ वो मुंडी उसकी गर्दन ऐसे आती थी, बस उसके पैर थोड़े आते थे अभी जंप मार के आज वो फर्स्ट टाइम सोफ़ा पे चढ़ गई, तो एंड इट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर हर, आज बैठ के बार बार जंप मार रही थी, बैठ रही हो मुझे देख रही थी कि देखो मैं बैठी हूँ आपके सोफा पे, सो शी वाज लुकिंग डार्लिंग, सो आई थॉट आई जस्ट शेयर विद यू। ओके, सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं
और क्या चैलेंज हो सकता है? खाने का इनको डे वन से, मैंने पहले भी बताया फिर से बता रही हूँ मैं, इनिशियली 1 हफ्ता आप उनको वही खाना दे उनको जो उनके ब्रीडर्स दे रहे थे. डू नॉट चेंज, ब्रांड भी चेंज नहीं करें, क्वांटिटी भी चेंज नहीं करें. उनका जो टाइमिंग है कोशिश करके वही टाइम रखें. धीरे धीरे आप अपने टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करके जो है वो मैं कर सकते हो आप एडजस्ट, बट इनिशियली थोड़ा वही उस पर आप थोड़ा सा फोकस रखें. धीरे धीरे आप उनको दूसरे खाना खाने का आदत डालें, ज़रूरी है वो तो, जैसे बताए हुए हैं मैंने रीजंस ये सब. और एक मेन चीज़ ये है कि अब अगर उनको ये जो एज है उनकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट एज है, और अभी जो वो हम जो उनको अभी सिखाएंगे वो क्विकली सीखेंगे और वो हमेशा वो फॉलो करेंगे और हमेशा करेंगे. तो घर के खाने की आदत होनी चाहिए. डू नॉट वेट, डॉक्टर्स बहुत सारे लोग, ब्रीडर्स भी आपको बोलेंगे कि 3 महीने तक आप उनको बिल्कुल कुछ मत खिलाओ, घर का बाहर का ही खिलाओ, ये बहुत लोग बोलेंगे. बट डोंट वरी, डोंट वरी, ये मैं कॉफ़ी अभी मेरी नई मेंबर है, इसके पहले बहुत सारे डॉग्स मैंने रखे हैं, हेल्दी एकदम, यू नो अच्छे, यू नो अच्छे से रहे हैं. और बहुत सारा मैंने इस पर स्टडी किया हुआ है, काफ़ी बहुत कुछ मैंने मैंने देखा भी है, यू नो. तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करें. 1 महीने में मैंने बहुत सारी चीज़ें उसको आदत डाली हुई हैं, तो वो कर रही है. एंड शी इज़ टच वुड, शी इज़ क्वाइट हेल्दी. डॉक्टर सेज की शी इज़ ग्रोइंग रियली गुड एंड शी इज़ ग्रोइंग फास्ट. बच्चे वैसे ही बहुत बड़े हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, और फीमेल डॉग्स तो स्पेशली बहुत जल्दी फटाफट बड़ी, आई मीन नॉट द बॉडी वेट वाइज नहीं मैं बोल रही हूँ, बट उनकी जो मेचोरिटी, उनकी जो उनका जो लेवल है फीमेल डॉग्स का ना, वो बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, जल्दी उनको समझ में आना शुरू हो जाता है. तो ये सारी बस चीज़ें हैं. थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती हैं बस, अगर उसको अच्छे से थोड़ा हम उसको मैनेज करें या कुछ थोड़ा ये करें. और एक चीज़ है, मुझे मेरे ब्रीडर ने भी कहा था कि 3 महीने तक नहलाना नहीं है. डॉक्टर्स भी कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते भी हैं कि नहलाओ. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने हमेशा से किया है, और मैं कॉफ़ी के साथ भी मैंने किया हुआ है, इनिशियली 35-40 डेज जब आप लेके आते हो तब तक तो वो वैसे ही उनका उनका नहलाना ये सब कुछ नहीं हुआ रहता है. जब आप लेके आए और 1 हफ्ता आप रुके, अपने साथ रखें, उसको एडजस्ट होने दें, उसके बाद 45 डेज के बाद आप उसको नहला सकते हैं. पपीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ पानी गर्म हो, इतना भी गर्म नहीं हो कि उनकी स्किन जल जाए, जैसे हम हमारे लिए हम गर्म प्रेफर करते हैं वैसे हो. ठंडी का टाइम है तो थोड़ा जैसे हमारे हाथों को थोड़ा जैसे एक नॉर्मल फील हो, वैसे आप उनको उससे नहलाएं. एक अच्छा शैम्पू है जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ पे किसी ब्रांड या किसी का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जो यूज़ करती हूँ मुझे अच्छा लगा. उसका जो लिंक है या उसका जो नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी. सो यू कैन जस्ट चेक कि कौन सा शैम्पू है, आप उसे करें. सिर्फ नहलाने के बाद जो है अच्छे से टॉवल से आप जो है वो उनको पोंछ लें, अच्छे से पोंछ लें. और समझिए, आपने समझिए, आज समझिए वो आपने उनको नहलाया. बच्चे हैं, बार बार सूसू में जाते हैं, बैठते हैं, उनके पैर गंदे होते हैं, वो पूरे के पूरे बैठ जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि क्या है क्या करना है. पॉटी में बहुत बार बैठ जाते हैं, कॉफ़ी ने तो खैर इतना नहीं किया है, पर सूसू में बहुत बार वो चली जाती है, सब करती है. तो आप रोज़ तो नहला नहीं सकते उनको, 15 दिन में आप नहला सकते हो, बट उसके बीच में अगर वो अगर गंदा हो जाए बच्चा, तो वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए एक वो स्प्रे आता है, आप वो ड्राई बात जो है, ड्राई बेथिंग के लिए जो एक स्प्रे आता है, वो स्प्रे का भी मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे देती हूँ, सो दैट यू कैन जस्ट चेक. बहुत अच्छा वो एक स्प्रे है. आप जस्ट डायरेक्टली आप स्प्रे करिए उनके उस पर कोट पे, फिंगर्स से जो है थोड़ा मसाज करिए अंदर तक अच्छे से. वो थोड़ा सोपी रहता है, थोड़ा स्टिकी जैसा ही रहता है, जैसे सोप शैम्पू रहता है वैसे ही रहता है, वो फील आता है. और एक वेट टावल
अच्छा गर्म पानी वाला एक जो है अच्छे से आप ये रखिए अपने पास, और अच्छे से उसको लगा के रब करके वो टॉवल से जो है उसको आप अच्छे से पोंछ दीजिए। बीच में ये कर सकते हैं। पैर अगर उनके गंदे हों, ये क्योंकि मेरे बालकनी में है ना, कहीं कहीं वो प्लांट्स पॉट्स ये सब रखे हुए हैं, तो इसको आदत है, ये जाके वो पॉट के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है तो उसके पैर गंदे हो जाते हैं। पैर आप डायरेक्टली आप जो है वो डायरेक्टली आप धुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हाथ में शैम्पू ले लो आप, पानी थोड़ा डाल के, मैं तो टैप वाटर से उसको पैर धुला देती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, और अच्छे से पोंछ दो तो वो एक चीज़ जो है वो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अननेसेसरी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लें, जो शैम्पू है, जो एक वो ड्राई इसका देखिए कैसे काट रही है यहाँ पे आके, कॉफ़ी काम है, काम है, काम है बच्चों, काम है। ओके लुक हियर, लुक कौन है, से हेलो टू ऑल, वे वे यू, सब सब देखना चाह रहे थे आपको। दिस दिस गर्ल ना, शी इज़ वेरी नॉटी यार, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मैं उसको यहाँ पे एक से रबर बैंड लगा दूँ, जब देखो काटती है, जब देखो काटती है। बैड गर्ल। ओके तो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स नहीं लें, और जो ज़रूरी है वो वही रखें। इजीली जो है वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। थोड़ा सा जस्ट पेशेंस रखिए, पेशेंस का थोड़ा जो है वो एक ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं। ये बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनकी जो बदमाशियाँ होती हैं, जैसे जो 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 ये करते हैं, ये सारी चीज़ें यू नो हमें बहुत एक सुकून देती है हमारे डेली लाइफ में, जो हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो जो भी हमारे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो हमारे जो इश्यूज होते हैं, जो भी है इफ़ एनी, तो इनके साथ वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। यू नो आज जैसे आज फर्स्ट टाइम ये चढ़ी है सोफ़ा पे, सो आई वॉज सो हैप्पी टू सी हर, यू नो, और जैसे चढ़ के वो बैठी थी और जैसे मुझे देख रही थी कि देखो मैं तो आपके सोफ़ा पे बैठी हूँ, खुद से चढ़ गई हो, अभी मैं मुझे आपके पास आके ना बोलने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ऊपर लो। सो शी इज़ सच ए डार्लिंग। ये देखिए ये ऐसी काटती है, चल छोड़ो। ओके सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू गिव अ लाइक बटन प्लीज फॉर माई दिस कॉफ़ी, यू नो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं या आपके आउच, आप मुझे डायरेक्टली आप मुझे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी। सो टेक केयर, बाय बाय, सी या।